इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल होता है ना, तो जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो रूट होते हैं दो, एक होता है अल्फा और एक दूसरा होता है बीटा। तो हम देखेंगे कि जो सम ऑफ द जो जीरो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला कैसा बनता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फॉर्मूला कैसा बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है जो हमें एग्जांपल में सॉल्व करना होता है डायरेक्टली, हम इसको नहीं, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, दो जीरो हमारे पास में, पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा, दूसरा है बीटा, दिस इज द ग्रीक वर्ड, जिसको हम ग्रीक वर्ड कहते हैं, बच्चों के स्लीपी अट्रैक्शन के लिए होता है। तो अल्फा का जो फार्मूला होता है ना, वो हम इस तरह ले सकते हैं, माइनस डी प्लस अंडर स्क्वायर रूट, ये लर्न करना है हमने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2A। अगर ये फार्मूला कैसा बनता है, ये वाला फार्मूला, तो आप मेरे YouTube चैनल जो ऑलिमन क्लासेस है उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल के वीडियो में आके सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेकिंग दिस फार्मूला। और बीटा का फार्मूला वही है, माइनस बी माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2A। फार्मूला सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर फिर माइनस है, और आप यहाँ पर इन दोनों को हम सम करेंगे, सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला कैसा बनेगा, अल्फा, ये अल्फा हमने लिए प्लस बीटा, बीटा यानी ये बीटा लिए, इन दोनों को सम करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, हम इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू अल्फा कितना है हमारे पास में, माइनस बी, अल्फा कितना है, माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, बाद में प्लस है, नहीं आप प्लस लिख दिए, मैं एक बार ब्रैकेट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में बीटा है, तो बीटा, बीटा का ये वैल्यू लिख दिया हमें बेटा, तो यहाँ पर हम इसका अंडर रूट इसे ले लेंगे 2a, क्योंकि अल्फा का क्या है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, बाद में प्लस, बाद में ये प्लस है, बीटा कितना है हमारे पास में, माइनस बी माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। ओके, तो इस तरह हो गया। अब मैं क्या करूँ, इधर देखिए स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इसको कहते हैं हम सम ऑफ द जीरो, भले ये जीरो नहीं है लेकिन इसको उल्लेख उस तरह किया जाता है, माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर बी, देखिए प्लस माइनस माइनस बी, ये माइनस अंडर स्क्वायर रूट, हम यहाँ पर लेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, ये पूरा अपॉन ले लेंगे। आपको पता है एक रूल है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखिए, थ्री बाई टू प्लस फोर बाई टू इस तरह का सम है, अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम है तो रूल क्या कहता है, एक बार इसे ले लो और ऊपर की एडिशन कर दो, थ्री प्लस, बात समझ आ गई आपके। उसी तरह में हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ओके, टू ए टू ए, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे हम ले लेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ माइनस बी है और यहाँ पर भी माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस में है और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बचा क्या हमारे उसमें, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ बचा माइनस बी और यहाँ पर फिर से क्या बचा, माइनस बी अपॉन, ये बचेगा हमारे में टू ए, समझ आ गया। आप जानते हो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं होता, छुपा हुआ एक एक होता है, ध्यान रखना है, वन वन होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दो बार अगर माइनस आ जाए बेटा तो माइनस एक बार हम लेते और इनकी सम करते, ये हो जाएगा टू बी अपॉन, या जाएगा बेटा टू ए। अब इसमें सेम क्या है, अब बोलेंगे सर इसमें टू टू सेम है, इसे हमने कैंसिल कर दिए, तो अब हमारे पास में जो फाइनली जो फॉर्मूला बन गया है, क्या बना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा ये किस तरह बनता है। चलिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हम किस तरह फाइंड करते हैं उसकी तरफ जाते हैं।